हम पहले तो बताइए कि एज एन इंडियन जब आप पैरालंपिक्स में क्वालिफाई करते हैं वो एक अलग फीलिंग है। जी सर। तो एक मेडल जीतने की फीलिंग के बारे में बताइए। सर मेरे को तो पहले पैरालंपिक्स गेम्स था मेरा, ये मेरे को तो यकीन नहीं था कि मैं जा ही रही हूँ और उससे बड़ी बात मेडल जीतना, तो सर आप सोच ही सकते हो कि फिर क्या होगा। मेरे को ये था कि मैं फर्स्ट पैरालंपिक्स में जा रही हूँ, मेरा सिलेक्शन हुआ है कि मैं एक्सपीरियंस लेके आऊंगी और खेल के आऊंगी कि आगे। तो वैसे हमने मेहनत करी थी मेडल के लिए ही इतनी कि हम मेडल लेकर आए, क्योंकि कोबे उसमें भी आया था मेडल। मैंने सोचा कि कोबे में आया तो मैं वहाँ पे भी जरूर लेके आऊंगी। लेकिन सर मेरा कंपटीशन भी काफी टफ था, जो कि सर मैं पिछले 7 साल में नहीं कुछ कर पाई। इन 6 महीने में मेरी तो जिंदगी बदल दी है मेरे कोच ने, क्योंकि सर इन 6 महीने में मेरे 4 मेडल आए हैं, जो कि इस कोबे में 2 मेडल हो गई थी और इसमें ओलंपिक्स में पैरालंपिक्स में। मैं सोचती थी कि यार मेरी जिंदगी इतनी जल्दी कैसे बदल गई। सही है, मैं सर मतलब मुझे इनसे मिलाया फाजी मदी ने इनसे, और जो कि मेरा आज मेडल आया। क्या बात है, ब्यूटीफुल। हम तो आप पहली महिला, पहली फीमेल एथलीट बन गई, एक पैरालंपिक्स में 2 मेडल्स जीतने वाली महिला बनी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में मैं ये बोलना चाहूंगी, जिससे मैंने सीखा है वो मेरी आइडल सिमरन शर्मा है, जो कि मेरी बेटी है। हां जी, मैंने इनसे ही आगे सीखा कि बहुत मेहनत करती है। जैसे कि आपने अभी भी देखा है कि उनका 100 मीटर में वो हो गया था, लेकिन इन्होंने कमबैक किया 200 में। उनसे मैंने ये भी सीखा कि यार मतलब इतना वो होने के बाद भी, इतना परेशान होने के बाद भी इन्होंने अच्छी रेस लगाई है। तो अगर हम परेशान होंगे तो भी हमें हारना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और अपना बेस्ट देना चाहिए। तो हम जैसे इतने बड़े कंपटीशन में आप जीत गए, तो आप कितने दिन ये सोचते हैं कि मुझे नेक्स्ट पैरालंपिक्स के लिए तैयार होना है, या फिर मैं सोचते हूं कुछ दिन मैं थोड़ा चिल करूंगी, रेस्ट भी करूंगी? चिल नहीं, लेकिन अभी थोड़ा सा बिजी रहेंगे तो सर उसे भी टाइम देना पड़ेगा, लेकिन हमारी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी। जो हमारे कोच है वो हमारे कोच ने इस मेडल को कलर चेंज कराना चाहते हैं, और हम भी खुद को ये है हमें भी कि हम अगली बार इसका कलर चेंज जरूर करेंगे। एंड आप अपनी जैसी यंग गर्ल्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं जाने से पहले? मैं तो सर यही मैसेज देना चाहूंगी, जैसे कि मैंने अपनी आइडल को देखा, उन्होंने इतना अच्छा कमबैक किया है कि अपनी पर्सनल बेस्ट थी। उन्होंने सिर्फ इस वजह से चिल होके अपने आप को काम डाउन करके, रिलैक्स करके और कॉन्फिडेंट रह के कि मैं कर सकती हूँ। कभी हार नहीं माननी चाहिए सर, पॉजिटिव सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, कांग्रेचुलेशंस, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।